मैसेल्फ पुलकित शर्मा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे उन लोगों की जिनको कॉलेज मिल गया, साथ ही उन लोगों की बात करेंगे जिनको कॉलेज नहीं मिला, वो थोड़े से मार्जिन से रह गए, और साथ ही उन लोगों की बात करेंगे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 21 और नीट 22 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी लोगों को जिनको कॉलेज मिल गया। कल काफी मिक्स्ड डे रहा यार, काफी लोगों के ऐसे मैसेज आ रहे थे कि वो थैंक्स बोल रहे थे कि हमको ये कॉलेज मिल गया, वो बता रहे थे सबकी उनको ये कॉलेज मिला है। तो सबसे पहले उन लोगों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, उनकी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है मेडिकल कॉलेज में, उन सब लोगों के लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसके बाद में काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत परेशान थे, उनको उन्होंने ऑल इंडिया की सीट छोड़ी थी और उनको कॉलेज नहीं मिल पाया राजस्थान में, या फिर उनके 610 609 मार्क्स थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या पता उनका भी चांस हो सकता है, तो उनको राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल पाया, उनकी भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को कॉलेज मिल गया उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहें, मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, कैसी लाइफ होती है मेडिकल कॉलेज में, आपको क्या करना होता है। ऐसे वीडियोस में अगले थोड़े बहुत टाइम में बनाने वाला हूं, तो आपको ये चीजें मिलती रहेंगी, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इशू इस टाइम उन लोगों के लिए जो बॉर्डर लाइन पे थे और उनको राजस्थान में कॉलेज नहीं मिल पाया, तो उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, बिल्कुल होपलेस मत हो। काफी लोग काफी परेशान थे, 614 नंबर वाले, 615 नंबर वाले, उसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी आप परेशान मत हो, अभी मॉप अप राउंड है ऑल इंडिया में और स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ऑल इंडिया में। आपकी जो मेन होप है आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड से, अगर मॉप अप राउंड की ऑल इंडिया में कट ऑफ ज्यादा भी चली जाती है तो भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आपको वेट करना है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, क्योंकि मॉप अप राउंड ऑनलाइन था, ऑनलाइन में कोई भी अलॉट करवा सकता है, पर रिपोर्टिंग के लिए उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो उन्होंने अपने स्टेट की काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड था उसमें सबमिट करवा दिए। तो सबके पास इस टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वैसे भी सारे स्टेट्स में तो कट ऑफ बहुत नीचे गया है, राजस्थान ही तो ऐसा स्टेट है जहां का कट ऑफ ऑल इंडिया से ज्यादा गया है। तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप वेट करो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में मैं जल्दी आपको बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा, तो आप जुड़े रहें चैनल से, आपको अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पे जो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। अब बात करते हैं नीट 21 और 22, जो नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको एक कट ऑफ का आइडिया रहना चाहिए कि कितना आपको स्कोर करना है अगले साल। तो मैं इस वीडियो में कट ऑफ की बात करूंगा, जो राजस्थान की राउंड 2 की कट ऑफ गई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उन्होंने नीट 2021 और 2022 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो उनको मैं बोलना चाहूंगा कि अनअकैडमी एक टेस्ट सीरीज लेके आया है अनअकैडमी इंस्पायर के नाम से, जिसके टेस्ट 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को है, और इसमें 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और ड्रॉपर सब लोग अपीयर हो सकते हैं। आप अपीयर हो इस टेस्ट में, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएंगी, स्क्रीन पे भी आपको डिटेल शो हो रही होंगी। इसमें आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप बहुत बेटर तरीके से अपने घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। वो आपको जो स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको अप्लाई करने के बाद आप ये टेस्ट दे सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आपको अभी से अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, नीट 2021 में 6-7 महीने बचे हैं, अगर पोस्टपोन भी होता है तो अपन मान के चल रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का अभी से आइडिया लग जाएगा। इतने सारे लोग इंडिया से इस पेपर को देंगे तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का आइडिया होगा, साथ ही आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी पता लगती रहेगी कि लाइव रैंकिंग क्या चल रही है आपकी इतने सारे लोगों के बीच में। तो आप इसको ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और जो भी आपको डिटेल्स अगर कोई चाहिए होंगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप को तो पक्का ज्वाइन कर ही कर लें, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको टाइम टू टाइम डिटेल्स मिलती रहेंगी। अनअकैडमी की ऐप पे इसका वीडियो सॉल्यूशन और इसका जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो दोनों अवेलेबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले टेस्ट को बिल्कुल भी ना मिस करें, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि जितना ज्यादा टेस्ट दोगे आप उतना ही ज्यादा जल्दी आप अपनी तैयारी को पूरी कंप्लीट करोगे, अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 616 मार्क्स, 1916 रैंक जिसकी स्टेट रैंक थी वहां तक कॉलेज मिला है, और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो गई है 613 मार्क्स, रैंक स्टेट रैंक बात करें तो अपन 2072 के आसपास तक कॉलेज मिला है। ईडब्ल्यूएस में 611 नंबर तक कॉलेज मिला है, और एसटी कैटेगरी में 487 तक मिला है, एससी कैटेगरी में 507 तक कॉलेज मिला है। वो पेपर का लेवल पता है कि डे बाय डे गिरता ही जा रहा है हर साल, और लेस और मोर यही लेवल रहेगा, क्योंकि अब पूरे इंडिया में एक ही पेपर आता है, तो जो एग्जामिनर होता है वो पेपर इस हिसाब से सेट करता है कि
कोटा में कोचिंग करने वाला बच्चा भी उन सवालों को हैंडल कर पाए, साथ में नॉर्थ ईस्ट में पढ़ने वाला बच्चा जहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चा भी उन सवालों को हैंडल कर पाए। तो एग्जामिनर उसी हिसाब से पेपर बनाता है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, उसी तरह टारगेट ओरिएंटेड होकर आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आपको कट ऑफ का आइडिया रहना चाहिए, बैक ऑफ माइंड आपके हमेशा रहना चाहिए कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिल रहे होंगे किसी अगले वीडियो में किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।